Morning everyone, welcome to the science class. So, in today's science lecture, we will continue our chapter that we have started in the previous week. So, our today's topic is soil erosion on page number 96. So, what is soil erosion? The process of removal of fertile topsoil by the action of wind and water is called soil erosion. तो सॉइल इरोज़न क्या होता है हमारी सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है ना सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है जो टॉप सॉइल होती है तो वो क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है हट जाती है वो फर्टाइल होती है ना तो वो रिमूव हो जाती है कैसे रिमूव होती है वो बाय द एक्शन ऑफ विंड या तो हवा की वजह से या पानी की वजह से ऊपर वाली लेयर क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सॉइल इरोज़न ड्यू टू द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक विंड वाटर एट्सेटरा द टॉप सॉयल बींग सॉफ्ट एंड लाइट इज रिमूव्ड तो वाटर और विंड ये क्या एक्सटर्नल फोसेज हैं जिनकी वजह से जो टॉप सॉइल होती है वो क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है और टॉप सॉइल क्या होती है सॉफ्ट होती है और लाइट होती है इसकी वजह से वो ईज़िली क्या है रिमूव हो जाती है दिस क्रिएट्स एन इम्बेलेंस इन नेचर एंड बोथ प्लांट एज़ वेल एज़ एनिमल लाइफ इज डिस्टर्ब्ड तो जब ऊपर वाली लेयर रिमूव हो जाती है इससे क्या है नेचर के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है प्लांट्स के लिए भी एनिमल्स के लिए भी क्योंकि अगर फर्टाइल लेयर हट जाएगी ऊपर से उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना तो वो भी नहीं रह सकते अब और बहुत सारे प्लांट्स जो टॉप सॉइल की वजह से ग्रो करते हैं तो वो ग्रो भी नहीं करेंगे इसकी वजह से सबके लिए क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होती है नाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोज़न तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉयल इरोजन को अफेक्ट करते हैं फर्स्ट है हैवी रेन्स एंड फ्लड्स कॉज सॉयल टू फ्लो अलोंग विथ वाटर जब बहुत ज़ोर से बारिश आती है बाढ़ आती है फ्लड्स होता है बाढ़ और बाढ़ आती है उसकी वजह से क्या होता है जो पानी के साथ क्या है मिट्टी बह जाती है तो टॉप सॉइल क्या है रिमूव हो जाती है सेकेंड क्या है स्ट्रॉन्ग winds एंड साइक्लोन्स कॉज टॉप soil टू ब्लो अवे जब स्ट्रोंग विंड्स बहुत जोर से हवा चलती है साइक्लोन्स आते हैं मतलब तूफान आता है तो भी क्या होता है सॉयल की ऊपर वाली जो लेयर है वो सॉफ्ट होती है लाइट होती है ना वो ईजिली क्या ब्लो हवा के साथ उड़ जाती है जिससे क्या टॉप सॉयल रिमूव हो जाती है थर्ड इज़ कटिंग ऑफ ट्रीज़ कॉज सॉयल टू इन एंड कैरीज द सॉयल अलोंग सो ट्रीज़ uh, के कट जब डिफॉरेस्टेशन होता है ना ट्रीज़ की कटिंग होती है उससे भी क्या है जो ऊपर वाली लेयर सॉइल uh, की लेयर है वो लूज़ हो जाती है ना क्योंकि रूट्स ने अच्छी तरह सॉयल को होल्ड किया होता है तो जब हमने पेड़ ही काट दिया रूट्स ही नहीं रही तो क्या होगा सॉइल लूज़ हो जाएगी और वो क्या है ईजिली कैरिड अवे विंड वाटर एंड ड्यू टू मेनी फैक्टर्स फिर उस लेयर को क्या है रिमूव करना बहुत ईजी हो जाता है नाओ नेक्स्ट इज सॉयल कंजर्वेशन हम सॉयल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कैसे कंजर्व करेंगे टॉप सॉयल को टॉप सॉयल कंटेन्स मोस्ट मिनरल्स हैंस इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ये तो हमें पता है कि जो टॉप सॉइल होती है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और जो क्या होती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेजर्स हैव टू बी टेकन टू प्रिवेंट सॉयल फ्राम इरोजन अदरवाइज़ द फर्टाइल टॉप सॉयल विल बी लोस्ड तो हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ना जिससे हम टॉप सॉइल को क्या है प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल इरोजन ना हो ऊपर वाली लेयर ना रिमूव हो और हमारी सॉइल क्या रहे फर्टाइल ही रहे द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉयल फ्रॉम इरोज़न बाय सूटेबल मेजर्स इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन तो सॉइल कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है जो सॉयल होती है उसे प्रोटेक्ट करना किससे इरोज़न से मतलब ऊपर वाली लेयर उसकी ना हटे उससे हमें प्रोटेक्ट करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें कुछ सूटेबल मेज़र्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे मतलब कुछ सूटेबल स्टेप्स क्या हैं हमें लेने पड़ेंगे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सॉयल कंजर्वेशन नाओ मेथड्स टू कंजर्व सॉयल अब हम सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे उसके कुछ मेथड्स हैं फर्स्ट मेथड है बाय ग्रोइंग ग्रास एंड ट्रीज हमें ग्रास और ट्रीज को ग्रो करना चाहिए रीज़न क्या है द रूट्स ऑफ ग्रास एंड ट्रीज बाइंड द सॉयल फर्मली जो ग्रास होती है या ट्रीज होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं जड़ें होती हैं ना उनकी वो सॉइल को फर्मली क्या है पकड़ के रखती हैं एज अ रिजल्ट इट कैन नॉट बी ब्लोन ऑफ ईजिली बाय इरोडिंग एजेंट्स लाइक विंड वाटर एट्सट्रा तो ऐसा करने से क्या होगा जो रूट्स हैं वो बाइंड करके रखेंगी सॉइल को तो ऊपर वाली लेयर को हटाना क्या है डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना तो इस तरह से हम सॉइल इरोजन से क्या है प्रोटेक्ट कर सकते हैं सॉइल को नाउ नेक्स्ट मेथड क्या है बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बै एम्बैंकमेंट्स तो हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करके एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट करके भी क्या है सॉइल इरोजन को क्या रोक सकते हैं सो एम्बैंकमेंट्स आर द वॉल्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है पत्थरों की रॉक्स की स्टोन्स की क्या है दीवार बना दी जाती है रिवर्स की साइड के ऊपर ताकि पानी बाहर फ्लो ना करे डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड आर यूजफुल इन चेकिंग सॉयल इरोज़न जब हम डैम्स बनाते हैं एम्बैंकमेंट्स बना देते हैं तो वो क्या है उससे हम फ्लड को कंट्रोल करते हैं बाढ़ आने से रोकते हैं ना ऐसा अगर बाढ़ नहीं आएगी तो क्या है ऊपर वाली लेयर क्या है ईजिली रिमूव नहीं होगी ना क्योंकि पानी के फ्लो से भी क्या है टॉप सॉयल इजिली रिमूव हो जाती है तो ऐसा करने से हम क्या करते हैं सॉइल को सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं नेक्स्ट मेथड इज़ बाय टेरेस फार्मिंग टेरेस फार्मिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं सॉइल इरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं वेन वाटर कम्स डाउन फ्रॉम अ हिली एरिया इट एग्जर्ट्स ग्रेट फोर्स टू ऑन द सॉयल जब हिली एरियाज के ऊपर से हिल्स के ऊपर से पानी आता है तो वो क्या करता है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है बहुत फोर्स एग्जर्ट करता है वो सॉइल के ऊपर इफ़ द फ्लो ऑफ वाटर इज़ मेड स्लोअ द डैमेज कैन बी रिड्यूज तो हिल से जो पानी आ रहा है वो बहुत फोर्स के साथ नीचे आएगा ना अगर हम क्या करें कुछ ऐसा मेथड अपनाएं कि पानी का जो फ्लो है वो स्लो हो जाए मतलब वो ऊपर से हिल से स्लोली नीचे आए तो हम थोड़ा सा क्या है डैमेज को कम कर सकते हैं ना मतलब सोइल को इरोड होने से क्या कर सकते हैं थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं था स्लोप आर कट इन टू टेरेसिज एंड फार्मिंग ऑन दिस टेरेसिज प्रिवेंट सॉयल इरोजन तो आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना ये एक हिल है हिल के ऊपर इस तरह से क्या किया ये पूरी क्या थी स्लैंटिंग थी न इसके ऊपर या इस तरह से टेरेस बना दिए अब क्या है ऐसा करने से जो पानी का फ्लो है वो क्या हो जाएगा ऊपर से स्लो हो जाएगा और यहाँ पर फार्मिंग भी की है टेरेसिज के ऊपर तो इससे क्या है जो सॉयल है वो क्या रहेगी फॉर्मली होल्ड रहेगी रूट्स से तो पानी क्या है नीचे आएगा बट वो स्लोली भी आएगा टेरेस की वजह से और फार्मिंग भी की है हमने तो उससे क्या है वो ज़्यादा प्रेशर एग्जॉर्ट नहीं कर पाएगा सॉइल पे और इस तरह से सॉइल क्या है एरोड होने से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं नाउ लास्ट मेथड इज़ बाय प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन हम क्रॉप रोटेशन से भी क्या है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं If same type of crop is grown, it will deplete same type of nutrients. तो अगर हम जो भी हम crop उगा रहे हैं अगर उसी land के ऊपर बार बार आप same तरह की crop ही उगाओगे उसके साथ क्या होगा एक तरह के nutrients ख़त्म होंगे एक ही तरह के nutrients deplete होंगे।

Time to recover the minerals that the previous crop has used. This is called crop rotation. सो so, इसीलिए क्या करना चाहिए हमें एक लैंड पे अलग अलग तरह की क्रॉप्स क्या है उगानी चाहिए अलग अलग टाइम पे ताकि क्या हो जो प्रीवियस क्रॉप पीछे वाली हमने सपोज हमने पहले कोई क्रॉप उगाई उसने जो मिनरल्स यूज़ किए है ना उसने जो न्यूट्रिएंट्स यूज़ किए अब अगर हम नेक्स्ट टाइम कोई और तरह की क्रॉप उगाएंगे तो वो किसी और तरह के न्यूट्रियट्स को क्या करेगी यूटिलाइज़ करेगी ना तो पिछले वाले न्यूट्रियट्स को रिकवरी का टाइम मिल जाएगा तो सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स रिकवर होंगे इस तरह से क्या सॉइल के अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट्स को रिकवरी टाइम मिल जाता है जिससे सॉइल फर्टाइल होती है और इरोजन से हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सो दीज आर द फोर मेथड्स टू कंजर्व सॉयल सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे रीड द चैप्टर केयरफुली एंड कंप्लीट द वर्कशीट टू ऑन योर बुक इन नीट हैंड राइटिंग थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे